चलिए जी, तो वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? देखो जी, आज जो हम करने वाले हैं वो आप जो स्कूल में कर रहे हो उससे ज्यादा रिलेटेड नहीं है. आपने अभी किए होंगे होल नंबर्स एंड नोइंग आर नंबर्स. ठीक है, आसान आसान चैप्टर है कि मुश्किल है? आसान चैप्टर हैं तो ठीक है, वो हमें समझ में आ ही गए हैं. तो आज जो हम करने वाले हैं वो आप पहले कर चुके हो, लेकिन बहुत हमें जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए हम आज जो करेंगे वो है वॉर्ड मास. मालूम है आपको क्या है वॉर्ड मास? चलिए, वॉर्ड मास हमें बताता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. मतलब सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब हम मैथ्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो कितने बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं हमारे पास? बोर्ड विजिबल है सभी को? यस ठीक है जी, हाउ मेनी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर देयर? चार. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चार बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर पूरे का पूरा मैथ्स का आपका कैलकुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है. किसी ना किसी तरीके से हम इन चारों को ही यूज करते जा रहे हैं. अब अगर एक ही चीज है, मान लो दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है या दो को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो तो मालूम है हमें कैसे करना है, लेकिन जब सब एक साथ आ जाए फिर हमें देखना पड़ता है क्या करना है. देन वी हैव टू डिसाइड कि पहले कौन सा ऑपरेटर करें और उसको सॉल्व करें, राइट? उसके लिए ही ये वॉर्ड मास, ये सीक्वेंस डिसाइड किया गया है. सबसे पहले बी, बी स्टैंड फॉर ओ, फॉर ऑफ, डिविजन, ये चार तो सिंगल सिंगल चीजें, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं है, हम कैसे भी इसमें चल सकते हैं. अब सबसे पहले ये ऑफ का मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं. अगर मैं मल्टीप्लिकेशन, अभी आपके लिए इस स्टेज पर आपके लिए ऑफ इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन. इफ आई से 1/5 ऑफ 100, इसका मतलब 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100. फिर हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में ब्रैकेट के बारे में. कितनी तरह की ब्रैकेट होती है हमारे पास? सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट. चार तरह की ब्रैकेट है. जो लाइन ब्रैकेट है ये बहुत ज्यादा यूज नहीं की जाती, बट एग्जिस्ट तो कर रही है. लाइन ब्रैकेट और अनदर नेम इज वेंकिलो. दिस इज राउंड ब्रैकेट. देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. और जब आपके एक्सप्रेशन में कोई भी दो ब्रैकेट्स अवेलेबल हो, या तीन हो या चार, तो हमें इसी ऑर्डर में ब्रैकेट्स को पकड़ना है और सॉल्व करना है. ठीक है जी, तो ब्रैकेट यूज क्यों कर रहे हैं? ब्रैकेट का मतलब मैं कुछ चीजों को इकट्ठा ग्रुप करना चाहती हूँ, और फिर उस पूरे के ऊपर, उस पूरे ग्रुप के ऊपर मैं कोई और ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रही हूँ, वहां पर हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स. ठीक है जी, तो ब्रैकेट में सबसे पहले वेनकुलम और लाइन ब्रैकेट, देन राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है जी, तो आप लोगों को समझ में आ गया है.
अब एक थोड़ी सी चीज की बॉर्ड मार्क की जरूरत पड़ी ही क्यों, क्यों हमें ये जरूरत है। देखो जी, अगर मेरे पास सपोज कहा गया कि एक पर्सन है जो कि से एप्पल्स बाय कर रहा है और साथ में ऑरेंजेस बाय कर रहा है, उसने 2 kg एप्पल लिए एट द रेट ऑफ ₹30 पर kg और 1 kg ऑरेंज लिया एट द रेट ऑफ ₹10 पर kg, या हम कहें 2 kg ही ऑरेंजेस लिए एट द रेट ऑफ ₹10 पर kg। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ मुझे बताना, इसका टोटल कॉस्ट कितना मिलेगा, कितने रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। तो देखो मेरे पास क्या तरीका है, मैं कर दूं 2 × 30 + 2 × 10, ठीक है जी। 1 kg के ₹30 लगे, 2 के लिए 2 × 30, 1 का 10 और 2 का 2 × 10, या मैं यहां पर 2 × 30 + 10, देखने 2 × 30 + 10। तो अब मुझे बताओ क्या मुझे पहले ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके काम चल जाएगा कि पहले 2 × 30 कर लूं फिर उसमें 10 ऐड कर दूं, या पहले मुझे ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये कॉमन ये आपको दिख ही रहा है एक्सप्रेशन में कि हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ता है, बाद में हम कुछ भी सॉल्व कर सकते। एक बात, दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एक्सप्रेशन में सिर्फ, ध्यान से सुनना, सिर्फ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन हो, सपोज आई एम हैविंग 35 − 10 + 20 − 2, अगर हम बॉड मास के हिसाब से चल रहे हैं तो पहले एडिशन की पहले सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने पर मैं किसी को भी पहले ले लूं फर्क पड़ेगा। पर याद रखना सिर्फ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ही हो, कोई और ऑपरेशन नहीं होना चाहिए साथ। अगर कोई और ऑपरेशन है फिर तो बॉट फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी यहां पर मैं पहले क्या करूं, 35 − 10, बोलो जरा 35 − 10 25 25 में अब मैं 20 को ऐड कर दूं कितना हो जाएगा, में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैंने पहले सब्ट्रैक्शन करी फिर एडिशन करी फिर सब्ट्रैक्शन कर दी। अब हम क्या करते हैं, हम बॉड मास के हिसाब से चलते, बॉड मास के हिसाब से पहले क्या होना है, मतलब पहले ये 2 को ऐड करना पड़ेगा, कितना बना 35 + 20, ₹55 + 20 = ₹55 − 10 − 2 ₹55 − 10 ₹45। इसका मतलब मैं बॉड मास से इसको सॉल्व करूं या मैं कोई भी ऑपरेटर पहले लगा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंडीशन है कि कोई और ऑपरेटर पड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ सब्ट्रैक्शन और सिर्फ एडिशन। सेम इज ट्रू इफ यू हैव ओनली डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स। अगर चारों ऑपरेटर या 3 भी पड़े हैं तो बॉड मास से चलोगे, अगर ये 2 ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है या ये 2 ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है तो आप किसी को भी पहले कर लो, आंसर में फर्क नहीं पड़े। ये बात सबको समझ में आती है, चलिए जी। तो फिर चलिए जी, फिर क्वेश्चन है आपके पास, मॉड्यूल आपको मॉड्यूल मिल गया होगा। चलो जी, पहला क्वेश्चन आपके पास ट्रू फॉल्स का,
फॉल्स में आपने जो भी आप एक्सप्रेशन दिया है सिंपलीफाई करना है और बताना है कि क्या वो ट्रू है या नहीं। कहा जा रहा है मुझे, मुझे कहा जा रहा है इफ आई सिंपलीफाई 5 × 2 + 11 + 18 / 9 दिस इज 27। एम आई गेटिंग 27 एज आंसर और नॉट? इफ आई एम गेटिंग 27 दिस इज ट्रू, इफ आई एम नॉट गेटिंग 27 एज दिस इज ट्रू। चलिए तो यहाँ पर हम पहले बॉट को लिख के रख लेंगे। सबसे पहले मेरे पास ब्रैकेट पड़ी है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होएगा? 5 × 2 = 11 = 19 - 18 / 9। अब यहाँ पर आपके चारों ऑपरेटर पड़ेंगे, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिविजन भी है, मतलब बॉड मास के हिसाब से ही चलना पड़ेगा आगे पीछे नहीं। अब देखो जी, सबसे पहले इन चारों में देगा डिवीजन कर दो जी डिवीजन। अठारह डिवाइड बाय 9 कितना आएगा? इसके बाद अब क्या होगा? मल्टीप्लाई 5 × 2। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिर्फ बच गए, तो पहले चाहे एडिशन कर लो चाहे सब्ट्रैक्शन कर लो, चॉइस करो। और बताओ जी, ट्वेंटी सेवन। सो कैसा हुआ ये स्टेटमेंट, ट्रू हुई कि फॉल्स हुई? ये है तो दिस इज दी स्टेटमेंट। चलिए जी, अब करिए और बताइए। ये बॉन्ड लिखे ही रहने देते हैं, बार बार लिखना है हमें। And this is answer. Let us see. हाँ जी, सबसे पहले ब्रैकेट बताओ जी। इलेवन थ्री इंटू प्लस सेवन माइनस। अब मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, नाइन प्लस सेवन 27 - 3। अब क्या करें, सब्ट्रैक्शन है। एडिशन कर लो चाहे सब्ट्रैक्शन कर लो, अभी हमने कि सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन होने पर किसी को भी पहले जा सकता है, उससे फर्क पड़ता नहीं है। लो जी बताओ आंसर क्या बना रहे हैं। नाइन प्लस 16 + 27 - क्या आंसर बन रहा है बच्चों? और मुझे क्या दिया? तो स्टेटमेंट कैसी हुई? ट्रू फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। वो तो आ रही है, ठीक है जी। अब जल्दी से बाकी अगला क्वेश्चन, चलो अब और है 3 4 5 6।
जिसका निकल जाएगा फटाफट बोलेगा ये स्टेटमेंट ट्रू दे रखी है या फॉल्स दे रखी है। ओके, ये को म्यूट कर दिया मैंने। और वो भी हो गया, तो दिख नहीं रहा तो बी। कैसे या फिर चलो जब जरूरत होगी तो जब कॉन्टेक्ट। इसको करना है करके इसको बंद करना चलिए बच्चों जल्दी जल्दी करिए और बताइए मुझे। इंटरेस्टिंग बोर्ड तक उतने पीछे जाना पड़ता है, बोर्ड तक उतने पीछे जाना फ्री है। पार्ट 60। आंसर है 60। चलिए जी, 6 डी से मेरे पास कौन आके बताएगा माइक पर कि कैसे कैसे स्टेप किए हैं। 6 डी से सुखराज सिंह माइक के पास आ जाओ बेटा। 6 डी सुखराज, सुखराज फ्रॉम 6 डी आ जाओ बच्चे। हाँ बेटा, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व किया आपने? 26 डिवाइड बाय 2। 26 डिवाइड बाय 2। बेटा डिवीजन से पहले क्या सॉल्व करना है मुझे? चलो इस पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पर ऑफ का मतलब है भी हम मल्टीप्लिकेशन से ही ले रहे हैं, इसलिए आंसर पर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन रूल क्या, ऑफ में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं आती और भी बहुत चीजें आती हैं, अभी आपके लिए वो नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अगर आपने पहले इसे भी सॉल्व किया तो फर्क नहीं पड़ रहा, बट अदरवाइज पहले ये सॉल्व होएगा। ये सॉल्व होने का मतलब 2 ऑफ 25 का मतलब 50, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 50 हो गया। अगला स्टेप बोल बच्चे, कितना 26 डिवाइड बाय 2। आएगा? 26 डिवाइड बाय 2, 13। 2 1 जा 2, 2 3 जा 16। आपको मालूम है 13 2 जा 26, तो 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो 13। फिर एक और डिवीजन भी पड़ी है, 80 डिवाइड बाय 2, 40। 40। अब मैं पहले चाहे सब्ट्रैक्शन कर लूं चाहे एडिशन कर लूं। 50 माइनस 40, 10 प्लस 13 प्लस 37, तो मेरे पास आंसर क्या बन रहा है? 60। 60। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, जाओ अपनी सीट पर। नेक्स्ट तो बहुत ही आसान है, जरा जल्दी से बता दो क्या करोगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। 10 into 8 plus 2 मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, तो पहले क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन एंड आफ्टरवर्ड्स एडिशन। मल्टीप्लीकेशन करा, 82 ऐड कर दिया, सो आंसर इज 82। सो इन दिस केस द आंसर इज फॉल्स। चलिए जी अगला बोलिए। +2 into 18 divided by 6 minus 9। इसका आंसर मुझे देना है 6th A से अनमोल, अनमोल फ्रॉम 6th A। आ जाओ बेटा फटाफट, माइक के पास आ जाओ। आप माइक के पास ही खड़े हो, बोलो 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 बोलो।
पहला स्टेप क्या करूं बेटा? मैम 18 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा? 3। 3। अगला स्टेप? मैम 2 मल्टीप्लाई 8। मैम 2 2 मल्टीप्लाई 3। 3 कितना आ जाएगा? 6। आप एडिशन पहले कर लो या सब्ट्रैक्शन कर लो? 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 9 1। सो आपका आंसर हो गया 1 और दिया भी 1 है, तो स्टेटमेंट कैसी हो गई? ट्रू। ठीक है जी। अब सिक्स बी, एक तो माइक ऑन कर लेना सिक्स बी, और सिक्स बी से नहीं, सिक्स बी से मैंने पूछ लिया ना, नहीं पूछा, पूछा नहीं अभी। सानिया, सानिया फ्रॉम सिक्स बी, आ जाओ बेटा माइक के पास। मैम आपका माइक ऑफ है, आप प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। सिक्स बी अभी ऑफ ही है मैम। स्टिल ऑफ। ऊपर उसकी ग्रीन लाइट आ रही है मैम, पर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। चलिए इतनी देर हम आप किसी को एक बार अगर बुला सकते हैं, आसपास कोई है तो एक बार उसको बुला के देख लीजिएगा। अभी हम सिक्स जी से पूछते हैं जी। सिक्स जी से नवजीत, नवजीत फ्रॉम सिक्स जी, आ जाओ बच्चे माइक के पास आओ। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा मैच द फॉलोइंग का है। मैच द फॉलोइंग में जो पहली स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने मुझे स्टेप्स बताते जाना है क्या क्या कुछ करना है। पहला है आपके पास 5 + (14 + 5) - (curly bracket 6) - (5 + 1 - 4). अब यहां पर देखो तीन ब्रैकेट्स अवेलेबल है मेरे पास, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले कौन सी सॉल्व होनी है बेटा? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अंदर मेरे पास ये टर्म पड़ी है, बताओ जरा इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा? (5 + 1) - (6) - (6 - 4) - (2). अब एक बात बताओ, ब्रैकेट के बाहर ये 6 लिखा है मैंने, और ब्रैकेट के और इसके बीच में कोई भी ऑपरेटर नहीं लगाया, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन। इसका मतलब क्या होता है? ये जो खड़ी है लड़की ये बताएगी, क्या पता है आपको बात बेटा? ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिख दिया मैंने, मान लो जैसे हमने यही लिखा 6, और अंदर ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2 आ गया। इन 2 के बीच में कोई भी ऑपरेटर नहीं डला हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इफ देयर इज नो ऑपरेटर बिटवीन नंबर एंड द ब्रैकेट, एनीवन नोस मल्टीप्लाई, इट मींस मल्टीप्लाई। ठीक है जी। यहां से आया था 2 बच्चे, सिर्फ जो खड़ी है लड़की उसी ये आवाज आनी चाहिए मुझे। ये 2 बाहर, 6 पड़ा है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना हो गया बेटा? बोल बेटा, ब्रैकेट में से मेरे को 2 मिला, ये 6 बाहर पड़ा था, मल्टीप्लाई कितना है बच्चे? 12। वाक्य मेरे पास 12, ये नेगेटिव बाहर। चलिए जी, चलिए 6C ऑफ कर दीजिए, आपके उससे इको बहुत क्योंकि किसी से तो आप माइक। हाँ जी, अभी आप ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, 6A से निहारिका, एब्सेंट गुरसिमर कौर। हाँ जी बच्चे बोलो, बताओ क्या करूँ? प्लस बताओ जी, कितना? +5 (19) - कितना हो गया? 19 - 12 7। 5 बाहर पड़ा था, 7 ऐड कर दिया तो टोटल, इसका मतलब मेरे पास यहां पर बैठ जाओ बेटा, मेरे पास जो ये फर्स्ट ऑप्शन है
ये कॉलम वन का वन कॉलम टू के साथ रिलेट हो रहा है आर के साथ, क्योंकि आर देखते हो कॉलम टू में क्या पड़ रहा है, पी क्यू आर एस टी। जो आर है वो क्या है, 12। इसका मतलब कॉलम वन का वन कॉलम टू के आर के साथ रिलेट हुआ। इज इट ओके? चलिए जी, अब एक और मैं कर रही हूँ, उसके बाद बाकी के तीन आप लोग करके मुझे एक साथ आंसर दोगे। सेकेंड वाले में खबर आ गई है लाइन ब्रैकेट। चलो जिसको देखते हैं पहले, 100 × 10 स्क्वायर ब्रैकेट, 100 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट, 100 माइनस राउंड ब्रैकेट में 50 माइनस 3 × 10 और इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट। तो जब हमने ब्रैकेट की बात की, हमने क्या कहा सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? लाइन लाइन ब्रैकेट के नीचे क्या पड़ा है, तो ब्रैकेट क्या आ जाएगा 3 × 10? 30। स्टेप्स ध्यान से देखते जाना, क्योंकि जब आपके एक्सप्रेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो गलती का चांस बढ़ जाता है। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया लाइन ब्रैकेट को, लाइन ब्रैकेट फिर माइक ऑफ कर दीजिए, ऑफ नहीं हुआ मैम। हाँ अभी ठीक। अब स्क्वायर हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। व्हाट इज देयर इन द राउंड ब्रैकेट? 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 50 माइनस 30। हाँ जी, व्हाट इज 50 माइनस 30? लो जी, 20। ट्वेंटी अब करली आप ब्रैकेट कर में लीजिए। रखना है 100 माइनस, बोलो एटी जी, 80। 10 400 फोर हंड्रेड डिवाइड बाय 80। डिवाइड बाय बताओ जी, बताओ जी। डिवाइड बाय 80, ध्यान टेक योर टाइम, टाइम्स डिवाइड 400 एंड टेल मी व्हाट इज। फोर 400 हंड्रेड फाइव। फाइव बच्चों सिक्स के थोड़ी दिक्कत फाइव रखो, आई एज्यूम कि आपको आता है, नहीं तो बेटा सारे में डिस्टरबेंस हो रही है फिर समझ नहीं आएगा। 40 डिवाइड बाय 80 इज 5। तो मेरे पास ये बन गया 100 × 10 + 5। अब पहले क्या करूं? तो ये हो गया 1000 + 5, सो आंसर इज 1000। तो फाइव अब बताओ ये सेकेंड सेकेंड का टू कॉलम टू कॉलम टू के लिए थ्री टी, सेकेंड 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 टू टू टी। थ्री अब तीन अब बजे तीन मैं बजे मैं आपको आपको गिन के 4 मिनट दे, कर दिन लोगे 4 मिनट? चार चलो फिर बड़ा, फिर चलो मैं पूछूंगी क्लास क्लास से एक एक, से हर क्लास से एक। चलिए जी, फिर हम सभी क्लास, फटाफट करो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अभी एक ही बच्चे ने अभी लेट अदर्स डू, शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश शाबाश करते हुए नजर आने चाहिए। थोड़ी डाउट
किसका हो गया? हो गया हो गए किसी के? एक जने के। चलो हम वेट कर रहे हैं। सिक्स बी डी क्या है? अपना अपना काम। सिक्स ई बच्चे इधर उधर नहीं देखेंगे, अपना अपना काम करें। इधर उधर देखते नजर आ रहे हैं मुझे सिक्स ई में बच्चे? सिक्स डी सबने कर लिया? सिक्स डी में ऑल हैव डन सिक्स डी? नहीं अभी कर रहे हैं ना। चलो चलो चलो, 2 मिनट हो चुके हैं, 2 पड़े हैं अभी। 4 मिनट दिए तो 4 मिनट के बाद ही आंसर देना। फटाफट शाबाश। ओके अच्छी बात है। अभी 3 मिनट बचा हुआ, 1 मिनट जल्दी जल्दी करो, उसके बाद मैं आंसर सुना। सबका हो गया? जी पहले सिक्स ए से आएगा और मुझे आंसर तीसरे चौथे और पांच। सबने नहीं बोला। वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास सिक्स ए कौन आएगा? माइक। हाँ आ जा बेटा, आंसर बताओ। थर्ड किस फटाफट फटाफट मैम ए थर्ड थर्ड ए तो है ही नहीं बेटा, है मेरे पास। हाँ अपनी शीट। हाँ थर्ड किस से? नहीं बच्चे एक आठ सी से तो 3 किस? पी। आठ आंसर आ रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है पी से। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अपनी अपनी शीट दे। कॉलम 1 3 4 5 कॉलम 2 में आरएसटी लिखा है। अब बताओ जी फोर्थ वन। मैं आपकी आवाज डबल हो रही है मेरी। अब ये सिक्स कर दो सिक्स ही स्विच ऑन, जब मैं पूछूं तभी ऑन करना है इसको। हाँ जी सिक्स ए में से अब मुझे बता रहे थे फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है फोर्थ का? और कोई बोलता ही नहीं, अभी तो हो गया था, अभी किसी का भी नहीं हुआ फोर्थ में। फोर्थ सिक्स ए में से चलिए सिक्स डी वालों का बहुत पहले हो गया था, सिक्स डी वाले बताएंगे अब मुझे। सिक्स डी
हाँ जी, सिक्स डी फोर्थ का आंसर बोलिए। हाँ सिक्स डी फोर्थ का आंसर। शाबाश बच्चे, कौन आ रहा था? हो गए थे सबके, तीनों क्वेश्चन हो गए थे सिक्स डी से। चलिए सिक्स ई से, द स्टूडेंट फर्स्ट बेंच। आ जाओ बेटा आगे। हाँ 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 बोलो। फोर्थ का आंसर। उनकी आवाज माइक ऑफ है, ऑन है आपका बेटा? माइक पर देखो ग्रीन लाइट आ रही है, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। वी आर डूइंग ओके, सिक्स ई से एक बच्चा आया हुआ आंसर करने, उसको पूछ रही हूं मैं तो। कोई बात नहीं, कोई बात माइक। नहीं बच्चे, आपके माइक ऑन नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठिए सीट पे। गो टू योर सीट। हाँ जी, सिक्स्थ जी, एनीवन फ्रॉम सिक्स्थ जी हु हैज डन फोर्थ पार्ट? हाँ बेटा, बोलो फोर्थ पार्ट का आंसर। 23, इसका मतलब क्या ये क्यू से रिलेट हो गया? और लास्ट वाला एस से, जीरो इज द आंसर। जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस को। तो आंसर हमने ले लिया एस। चलिए जी बैठिए। अब एक बार जल्दी जल्दी मैं कर देती हूँ, जिसकी जो गलती हो अपना देख लेना। 80 डिवाइड बाय 15 प्लस 8 माइनस 3 विद इन ब्रैकेट प्लस 4। तो सबसे पहले क्या होना है? ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पड़ी है। 15 प्लस 8 23 माइनस 3 20 प्लस 4। 80 डिवाइड बाय 20, जल्दी बोलो। 80 डिवाइड बाय 20 फोर, फोर प्लस फोर एट। कॉलम टू में 8 किसके सामने लिखा है? पी के सामने। तो तीसरा किससे रिलेट हुआ? पी से। अब चल रहे हैं चौथे पर। चौथे में आपके पास है 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 के ऊपर पड़ा है लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले 4 माइनस, चार हाँ जी 4 माइनस 1 3, माइनस ये राउंड ब्रैकेट, 5 माइनस 3 5 माइनस 3, बोलते जाएगा फटाफट 2। अब करली ब्रैकेट, 16 माइनस 2 14, 18 माइनस 14 27 माइनस 4 23, और 23 ऑप्शन किस पे आ रहा है? क्यू पर। इसका मतलब चौथे को हमने किससे रिलेट करा? क्यू से। अब पांचवें पांचवा है, ये तो बहुत आसान सा। 25 प्लस 30 माइनस 35। सबसे पहले वो 25 डिवाइड बाय 5 इज 5 प्लस 30 माइनस 35, 5 प्लस 30 35 माइनस 35, आंसर इज 0। और 0 कहाँ जा रहा है मेरा? एस पर। इसका मतलब मेरे पास पहले वाले का, दूसरे वाले का आंसर क्या बन रहा था? टी, और पहले का आर। तो ये है मेरे पास फाइनल कॉलम वन कॉलम टू का। वन ऑफ कॉलम वन इज रिलेटेड टू आर ऑफ कॉलम टू, सेकेंड इज रिलेटेड थर्ड विद, फोर्थ विद क्यू, एंड फिफ्थ विद
एस. इज इट ओके? यस. चलो जी, अब अगले 5 क्वेश्चन करने में सारे करके मैंने आंसर लेने, एक करके हाथ नहीं खड़े कर देना. अगले 5 के लिए कितने टाइम दे दूं? 6 मिनट के 7 मिनट? चलो 7 मिनट्स दिए. फटाफट सबका ध्यान अपने अपने काम में, और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चलने के बाद सारे के सारे 5 के 5 सॉल्व करने के बाद हैंड रेज करना है. अब तुमने चलो फटाफट फटाफट, देर नहीं लगानी, 5 मिनट देने हैं मैंने आपको. नहीं, 5 नहीं, कितने बोले मैंने? 6 मिनट्स. 7 मिनट्स. चलो 7 मिनट्स. चलो ठीक है, 7 मिनट्स सॉल्व ऑल 5, और ऑल 5 करने के बाद ही हैंड रेज करना है. जिसका भी 4 5 हो जाए वही हाथ खड़ा करेगा. चलिए शाबाश. शाबाश शाबाश, सब अपना अपना काम करें, एक दूसरे की कॉपी में नहीं देखना और ना ही बैठ जाना है. डू योर ओन वर्क. जो भी कुछ आ रहा है अपना आंसर नोट करते जाओ, ऐसे एक एक वो बना लो कि ये दूसरा तीसरा, जो जो आंसर यहाँ पे लिखते जाओ. चलो शाबाश, जल्दी से एक तरीका बना लो. एकदम आंसर वाला नहीं, बढ़िया बिना आंसर भी निकाल देते हो ना, दिक्कत हो जाती है मुझे सारे इस बार बार सॉल्व. निकाल दो पहला मॉड्यूल, बच्चों को दिया मैंने, नहीं छठी का पहला मॉड्यूल आंसर नहीं होता ना, फिर सब पड़ जाते हैं वहां बैठ के. नहीं आंसर शीट के साथ नहीं आते, आंसर मार्क कर दिए. हां तो गड़बड़ होती है ना. सिक्स्थ क्लास मॉड्यूल 1. मॉड्यूल 1 वन 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 वन. अच्छा आंसर नीचे. ओके लाओ जी, ये वाला नीचे आ जाओ. हाँ ये 11 20 104 840 17. अब एक काम करना, जब मैं देना तो बाकी के भी आंसर्स पे मार्क कर देना. Only 3 minutes left. फटाफट देखो जरा, 3 मिनट रह गए हैं, देखते हैं विदिन टाइम कौन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है.
2 मिनट्स लेफ्ट, जल्दी 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 फटाफट। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और बॉड मास पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। गुड गुड, सब काम कर रहे हैं। आई कैन सी ऑल आर वर्किंग। एक दो इधर उधर देख रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं। 1 मिनट बचा है मेरे पास। वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 मिनट। लेट अस सी 1 मिनट में कोई पूरे क्वेश्चन अभी कर पा रहा है या नहीं, तो फिर चलो करो फटाफट, करो ट्राई करो। आंसर अभी हम मैच करेंगे, जिसका जो आ रहा है उसके हिसाब से चलते रहो। बच्चों मेरे पास टाइम पूरा हो चुका है। हो गए किसी के भी पूरे क्वेश्चन? हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। बस 1 मिनट था। नहीं, बड़ा फटफटाफट जल्दी। कितने कितने क्वेश्चन? 3 हो गए सब। कितने हो गए हैं? 3 हो गए सबके। तीन तो हो गए। चलो 2 रह गए, फटाफट 2 मिनट होते हैं। जल्दी जल्दी 2 मिनट। हाँ जी हाँ जी, बोलो। फर्स्ट का आंसर? आपकी ना आवाज नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा माइक माइक पे माइक के बिल्कुल, या तो माइक पे ग्रीन लाइन आ रही, ग्रीन लाइट आ रही है माइक पे? हाँ अब आ रही है आवाज, बोलो अब बोलो। पहले का आंसर मेरे पास आ रहा है 11। देख लो किस किस का गलत है, किस किस का ठीक है। आंसर फॉर फर्स्ट इज 11। चलो पहले मैं सबके आंसर बता देती हूँ।
ठीक है, और फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलती हुई है और कहाँ कहाँ ठीक हो गया है काम। पहले का आंसर 11, दूसरे का आंसर है मेरे पास 20। जिस जिसका ठीक आया हैंड रेज कर दो। 20 आंसर। सेकंड का कितनों का आया है हैंड रेज? किसी का नहीं आया 20? बच्चे बच्चे का का दो, दो तीन, तीन चार पांच बच्चे दिख रहे। नीचे ऐसे तो नहीं होना चाहिए। देखिए, थर्ड इज 104, फोर्थ इज 840, लास्ट इज 17। अब एक एक करके चलो देखते जाते हैं सॉल्यूशन, जिस जिसकी जो गलती है देखते जाना जरा। 7 + 12 - 8 + 3 - 9 of 6 + 1 - 13 × 4। हेलो। अब जरा मेरे साथ साथ देखते जाना और गलती ढूंढते जाना। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में भी ऑफ पड़ा है, प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगी ऑफ को। जब ऑफ को सॉल्व करोगे 9 × 6 कितना हुआ? 9 × 6 प्लस 1, फिर मल्टीप्लिकेशन 13 × 4 52। 12 - 8 + 3 - 54 + 1 55। -52। सेवन प्लस 12 - 8 + 3 - 3 तीन और माइनस तीन कैंसिल, यहां से बचा सिर्फ 8। 12 - 8 4, 7 + 4 11। पहले का आंसर 11। जिसका नहीं आया स्टेप्स देखो, जहां गलती हुई है नोट करो, और कुछ पूछना है तो पूछो। सबसे पहले ऑफ 9 × 6 = 54 + 1 × 13 × 4 = 52। 55 - 52 = 3। 3 - 3 = 8। 12 - 8 = 4। 4 + 7 = 11। चले अगले क्वेश्चन पर। समझ में आ गया सभी को? सेकेंड है 800 - 10 of 70 + 400 / 3 - 3 × 60। यहां वापस बॉट, सबसे पहले ऑफ 10 of 70 means 700, देन मुझे करना है 400 / 4 है, सॉरी बोलिए जी, फिर डिवीजन। 400 / 4 कितना हो जाएगा? 100। फिर मल्टीप्लिकेशन 3 × 60 180। अब सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा, तो 100 - 700 कितना? 100 + 100 - 180। 100 + 100 = 200 - 180 करूं तो आंसर कितना? 20। सो आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन इज जी। गलती देख लो, स्टेप्स के साथ क्वेश्चन करो तो गड़बड़ कभी नहीं होती। तो ध्यान से जहां पर गलती करेक्ट करो। थर्ड है हमारे पास 90 + 10 + 15 of 3 - 20 + 30 - 45 / 5। लो जी, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होनी है। राउंड ब्रैकेट में डिवीजन पड़ी है। 45 / 5 इज 9। 20 + 30 - 9।
अब राउंड ब्रैकेट बता दो क्या मतलब 20 प्लस 30 माइनस 9 41 90 प्लस ऑफ सॉल्व होएगा 45 माइनस 41 90 प्लस 45 में से 41 जाएंगे क्या आएगा? पहले सब्ट्रैक्शन कर ले, आसान है मेरे लिए। 45 में 4 में 10 ऐड करेंगे तो 14। 90 प्लस 14 104। तो आंसर फॉर थर्ड इज 100। देखते जाओ, स्टेप वाइज नोट करते जाओ ताकि गलती मिले कहां पर कर रहे हो। नेक्स्ट देखो जी, सबसे बाहर 7 पड़ा है, फिर ब्रैकेट्स शुरू हो रही हैं। 56 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 माइनस 15 ब्रैकेट बंद, 5। हमें पता है अंदर सारा कुछ सॉल्व करने के बाद 7 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब यही रहता है। 56 डिवाइड बाय 4 है जी, 56 को 4 से डिवाइड करें क्या मिलेगा? 4 1 4, 1 इज द रिमाइंडर, 4 4 16, 14 इंटू 10 माइनस 15। अब फिर से मल्टीप्लीकेशन पहले होगी, 140 माइनस 15 माइनस 5। 140 में से 15 जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 120। कैरी लिया 10 माइनस 5 5, 3 बच गया था, 2, तो 125 माइनस 5 कितना हो जाएगा? और इसका मतलब कोई भी नहीं ऑपरेटर डाला तो मतलब मल्टीप्लिकेशन। 127, 840 द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट वन, कहा लाइन ब्रैकेट सॉल्व होएगी, बताओ जी लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आएगा? 3। फिर राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आया? 1। राउंड ब्रैकेट का सॉल्यूशन 1। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करें क्या आएगा? 7। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करें क्या आएगा? 3। 20 माइनस 3। अब कहां पे मुश्किल थी? अच्छा चलो ये बताओ किस किस के 3 आंसर करेक्ट आए? हाथ खड़ा कर दो, ऑनेस्टली 3 आंसर करेक्ट। 3 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट 3 आंसर्स करेक्ट? चार पांच, क्या कर रहे थे? मल्टीप्लिकेशन। किसी के पांचों भी करेक्ट हैं? है कोई ऐसा जिसके पांचों करेक्ट हो? एनीबॉडी? ऑल 5 करेक्ट, इज देयर एनीवन?
चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आता है, कैलकुलेशन थोड़ी स्लो स्लो करते हो इसीलिए थोड़ी दिक्कत है। अगली क्लास में भी अभी हम इसी पर क्वेश्चंस करेंगे लेकिन थोड़े अगले तरीके के, थोड़े अलग तरीके से, ठीक है? सो अगली क्लास, कल की क्लास में थोड़ा प्रिपेयर होके आना, टेबल्स अच्छी तरह से समझ के आना, नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन डिविजन में ही गड़बड़ हो जाती है। ठीक है बच्चों? ठीक चलिए ठीक है बच्चों, ओके जी, थैंक यू। ओके बच्चों, बाय बाय। है।